स्वागत है आपका प्रिया डिकोड चैनल में। मैं आज एक ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे आप 21 डेज करते हैं तो आपके चेहरे की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उस टिप्स को शेयर करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप मेरे वीडियो पे आ गए हैं तो सबसे पहला सुंदरता का मूल मंत्र होता है ना किसी के लिए भी खुश रहना। तो इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरे साथ साथ बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुँचा रही हूँ तो टाइम पास करने की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है टाइम पास करने का। क्योंकि जो अगर आप खुश रहते हैं ना, अगर अंदर से कोई भी परिस्थिति, और सबसे पहले मैं न्यू मॉम के लिए, जो भी मतलब जिनको अभी नया नया बच्चा हुआ है उनके लिए बोलूंगी कि सब कुछ एक तरफ अपने बच्चे को ही देख के खुश रहा कीजिए। और सारे घर वालों से भी मैं उनकी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे जेंट्सों के वीडियो देख रहे हैं, लेडीजों के देख, आपकी भाभी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपकी बहू हो, जो भी हो, उनको इस टाइम में ना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। क्योंकि वैसे मेरे को जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की कोई मुझे खुश रखे, लेकिन मैं और लोगों के लिए बोलूंगी कि घर वालों को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने बच्चे को ही देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मैं पहले भी खुश रहती थी, क्योंकि मेरे को परिस्थिति कुछ भी हो मुझे अपने भगवान पे विश्वास है कि मेरा भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, तो मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ। तो मुझे लगता है मुझे इन सब चीज़ों की किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सब कुछ अपने से देख भी रही हूँ। मैं अपने बेबी को ही देख के, इस टाइम में भी अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं अपने बेबी को देख के खुश हो जाती हूँ और सारी चीज़ें प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप न्यू मॉम हैं, मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, चीज़ें मतलब रात रात भर जगना, चीज़ें बच्चों के साथ जगना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड छोड़िए, आप खुश रहिए, अपने लिए जीना सीखिए, खुश रहा कीजिए। और इस चैलेंजेस को आप भी 21 डेज कीजिए। इस चैलेंजेस के लिए आपको थोड़ा सा चावल लेना है, उसको अच्छे से धो के रात भर भिंगो देना है। रात भर भिंगोने के बाद उस चावल के पानी को आप चाहें तो आइस क्यूब में डाल के आइस क्यूब बना सकते हैं, और सुबह उठ के उस आइस क्यूब से फेस धो सकते हैं या उस चावल के पानी से अपने फेस को धो लीजिए। इसके साथ साथ लिक्विड ज़्यादा खाइए, और लिक्विड में जैसे जूस हो गया, अगर आप बोलेंगी अब बोलेंगे कि जूस कहाँ से लेके आए, इतना सारा जूस मतलब होता नहीं है घर पे, गांव पे भी नहीं मिलता है, तो ये सारे बहाने हैं। गांव में सब्जी मिलती है, कुछ नहीं मिल रहा तो सब्जी का जूस बना के पी लीजिए, आपके घर पे लौकी है लौकी का जूस पी लीजिए, आंवला है, कुछ भी जूस उठा के सुबह ना बना के पी लीजिए। लिक्विड जितना खाएंगी ना और पानी जितना पियेंगी, मुझे लगता है कि फेस पे, और साथ साथ खुश रहती है तो फेस पे उतना ही असर दिखता है। तो ये रही आज की टिप्स, और थैंक यू।